जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज योर फ्रेंड रहीश यादव। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हो गए हमारी तरह। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 11:15, तो आज डेट है 27 मार्च 2021। हम हैं अमृतसर में, और अमृतसर में कहाँ हैं वो आप हमारे पीछे देख ही सकते हो। जी हाँ, हम हैं गोल्डन टेम्पल में। तो बताने की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, सब लोग जानते ही हैं। हम यहाँ पे वाहेगुरु जी का आशीर्वाद लेने आए हैं, और हमारे और आप सबकी लाइफ में खुशियाँ बनी रहे। प्रॉपर्टी में हम रुके हुए हैं, दैट इज फेयरफील्ड बाय मेरिट। प्रॉपर्टी काफी अच्छी है, बट एज यूजुअल समय की थोड़ी पाबंदी के वजह से थोड़ा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। पर कोई ना, नेक्स्ट टाइम अगर आते हैं तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। एंड काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, और यहां से अगर आपको व्यू दिखाऊं, सो ये देखिए क्या बढ़िया सा व्यू है। सामने पूल है, एंड काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है। और अभी समय हो रहा है अराउंड 1 PM। अभी अच्छी सी प्यारी सी प्रॉपर्टी को अलविदा कहने का समय आ गया है, और हम अभी जा रहे हैं चंडीगढ़। सो बेसिकली हमारा ये ट्रिप स्टार्ट हुआ था चंडीगढ़ से, और एंड भी हो रहा है चंडीगढ़ में। इस प्रॉपर्टी की एक और चीज़ मुझे थोड़ी यूनिक और अच्छी लगी, कि जैसे हम अभी अमृतसर में हैं, पंजाब में हैं, तो यहाँ के हिस्ट्री के कुछ फ़ोटोज़ हैं। जैसे पंजाब माना जाता है हमारा देश का अन्नदाता, तो यहाँ पे खेती की कुछ फ़ोटोज़ हैं। प्लस पंजाब से मैक्सिमम हमारे आर्मी में जवान होते हैं, प्लस पंजाब के लोग कितने अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, तो उन सब का थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशन है फ़ोटोज़ का। काफ़ी बढ़िया है। यू नो,
ये सब काफी छोटी छोटी चीजें होती हैं पर बहुत अच्छी लगती हैं प्रॉपर्टीज में। इतना बढ़िया सा पूल एरिया है, ऐसा लग रहा है कि भाई यहीं पर पूल में आराम से रिलैक्स करो, चिल मारो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, फंक्शनल है यहाँ का पूल। पोस्ट लॉकडाउन बहुत सारे यू नो प्रॉपर्टीज़ के पूल्स बंद है, बट ये वाले प्रॉपर्टी का पूल चालू है और काफ़ी अच्छा है। जिम भी काफ़ी अच्छा है और बेसिक इक्विपमेंट जो जो चाहिए यार सब कुछ है, काफ़ी बढ़िया यार। हेलो, इतना अच्छा जिम देख के, इतना अच्छा फिटनेस एरिया देख के वर्कआउट करने का अपने आप मन कर जाता है। अभी हम अमृतसर से थोड़ा दूर चल के आए हैं एक रेस्टोरेंट में, काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है, आप मेरे पीछे देख ही रहे हो। और इस रेस्टोरेंट का नाम है हवेली। आओ कभी हवेली में। लो आ गए हम हवेली में। सो अगर आप देखोगे तो मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आपको साउथ इंडियन मिल जाएगा, आपको स्नैक्स के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। हमने जस्ट खाना कंप्लीट किया, फूड लाजवाब है एंड इंटीरियर यूनिक है और बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके यहाँ पे। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी बढ़िया है, और इसके नाम के हिसाब से जैसे हवेली तो उसी टाइप का पूरा है। एंड इसमें इसका जो इंटीरियर है, जो जो इसका आर्किटेक्चर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो पूरा यू नो जो एक प्रॉपर पिंड होता है पंजाब का, उस टाइप का है। एक मिनी पिंड डेवलप किया गया है यहाँ पर। अगर मैं आपको बताऊँ सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं हवेली में, बट काफ़ी नाम सुना था सो हमने सोचा क्यों नहीं ट्राई किया जाए। सो आज हमने ट्राई किया तो जिस हिसाब से हमने सुना था उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन डिलीवर हुई है। 3 ब्रांचेज है, एक अमृतसर, एक जलंधर, एक मुरथल। तो अगर आपके आसपास अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उस एरिया से तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छा है। जो आप देख रहे हैं ये सिंगू बॉर्डर है, आप लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी बार देखा होगा, बट जब आप ग्राउंड ज़ीरो पर देखते हैं सो आपको पता चलता है हमारे देश के अन्नदाता, हमारे किसान किस तरीके से रास्ते पर आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन को ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो गए हैं। ये जो टेंट आप रास्ते पर देख रहे हैं, इन्हीं में चाहे ठंडी हो या गर्मी या फिर तूफान आए, इन्हीं टेंट में हमारे देश के किसान आंदोलन चला रहे हैं। ये टेंट जो आपको रास्ते पर दिख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर में फैले हुए हैं। हमारा पूरा समर्थन है हमारे देश के किसानों के साथ, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगी कि नहीं होनी चाहिए थी। टेंट रोड के बीचों बीच लगाने से अच्छा कहीं मैदान में या कोई बड़े ग्राउंड में लगाना चाहिए था, और उसी ग्राउंड में आंदोलन करना चाहिए था जिसमें मेन रोड ब्लॉक नहीं होता। रोड का बहुत सारा काम, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी रुका हुआ है इसी आंदोलन के कारण, बट आंदोलन किया जाता है देश के नागरिक के भलाई के लिए, ना ही कि उनके किसी भी काम में रुकावट आए। मेन रोड बंद होने से पता नहीं कितने लोगों को तकलीफ़ हो रही होगी डे टू डे लाइफ में, जो अपने ऑफिस में आने जाने के लिए इस रोड को इस्तेमाल करते होंगे।
या फिर अन्य कारणों के लिए इस रोड का इस्तेमाल होता होगा। इवन सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि सारे किसानों को एक साइड प्रदर्शन करने देते एंड दूसरी साइड गाड़ियों के लिए चालू रखते थे, जिसमें नागरिक को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। इवन जब हम बॉर्डर के पास पहुँचे सो हमने देखा रोड को पुलिस ने फेंसिंग से ब्लॉक करके रखा है। ऐसा तो शायद इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे देश के किसानों के साथ किया जा रहा है, किसान या सरकार कौन सही है ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, बट हमारे किसान भाइयों एंड सरकार को मिलकर बीच का रास्ता निकाल कर आंदोलन ख़त्म करना चाहिए, जिसमें हमारे किसान भाई अपने घर जा सके एंड ये जो रोड ब्लॉक है वो भी खुल सके। हमने जो देखा एंड हमें जो लगा सो हमने आपके साथ शेयर किया। हम और हमारे जैसे देशवासी चाहते हैं कि ये आंदोलन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो एंड हमारे किसान भाइयों की मान सम्मान के साथ घर वापसी हो। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देख लिया तो जल्दी से लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। #, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। पैसा